वाटर कलर सोसाइटी ऑफ इंडिया और समांतर संस्था की ओर से शुक्रवार को विजय लक्ष्मी पार्क में अंतर्राष्ट्रीय चित्रकारों की 3 दिवसीय वर्कशॉप शुरू की गई। 30 दिसंबर तक चलने वाली इस वर्कशॉप में देश के विख्यात चित्रकार अजमेर में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। कलर्स ऑफ डेजर्ट के नाम से इस कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध चित्रकार अमित कुमार और मेगा हाड़ा सहित कई चित्रकार शामिल हुए। इनके अलावा साहित्यकार सुरेंद्र चतुर्वेदी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। ऐसा कार्यक्रम अजमेर में या राजस्थान में शायद कभी नहीं हुआ होगा। बाहर से आए चित्रकार एकत्रित हुए और वहाँ पर भी बच्चे हैं एक साथ चित्रण के सृजन की कार्यशाला में। मैं मंच पर विराजमान बाहर से आए चित्रकार श्री कपूर, उनकी पत्नी और ऐसा कार्यक्रम चित्रण का और रंगों का ऐसा कार्यक्रम अजमेर में इससे पहले नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है। और कला की धारा चल रही है आधुनिक, जिसमें उसके शब्द और अर्थ बदल गए हैं। जल रंगों का जहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि वो वर्तमान के जीवन के रंग, वर्तमान के जीवन के दृश्य, वर्तमान के जीवन का कहना वो इन वाटर कलर्स में यहाँ प्रसारित होगा। और इस मरु प्रदेश में जहाँ धूप पड़ती है तो मरुथल जो है सोना लगता है, और अगर चांदनी पड़ती है तो चांदनी बिछी हुई लगती है। ऐसी जगह पर अगर साहित्य के और कला के कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं तो मैं समझता हूँ वह बड़ी कमी है। तो ये सुरेंद्र चतुर्वेदी जी ने जो यहाँ कार्यक्रम किया है सम्मान संस्था की ओर से, ये वास्तव में बड़ा सम्माननीय है और बहुत याद रखने लायक है। सर, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या मैसेज देंगे? आने वाली पीढ़ी के लिए मैं वही कहना चाहूँगा कि कला के माध्यम से, कला तो एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम वो कहते हैं जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, तो वह अंतर का जो सूक्ष्म सत्य है वह कला के माध्यम से उजागर हो और हम ऐसी कला की ऐसी भाषा में बातचीत करें जो समझ में आए। ऐसा नहीं हो कि हम जो चित्रकला की प्रदर्शन की गैलरीज हैं वो हम गोधक का देकर बाहर निकालें, वे हमको आमंत्रित करें। कला का एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए। और इस आपने जो चल रहा है 3 दिन का कार्यक्रम, इसमें भी मुझे इस बात के बड़े कहने का अच्छा लगता है कि यहाँ जो रचनाएं होंगी और जो रचनाकार हैं वे सब जल रंगों में ऐसा चित्रण करते हैं जो आकर्षित करता है। आयोजन किया जा रहा है, क्या है? मैं अनुराग मेहता हूँ, उदयपुर से वाटर कलर आर्टिस्ट हूँ। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है, पर इसकी जो संस्कृति है वो बहुत कलरफुल है। तो हमने इस शुष्क प्रदेश में पानी के रंगों का एक माहौल तैयार करने के लिए एक वाटर कलर वर्कशॉप अजमेर में आयोजित की है। तो इसमें जो राजस्थान के वाटर कलर आर्टिस्ट हैं वो आएंगे, सभी अपना अपना काम करेंगे और यहाँ कुछ प्रदर्शनी भी होगी। हम ये चाहते हैं कि चूँकि वाटर कलर का राजस्थान में अभी इतना चलन नहीं है, तो लोगों में एक जागरूकता पैदा हो कि वाटर कलर कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने एक कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें दिल्ली से एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट हैं जो अमित कपूर जी और उनकी धर्मपत्नी हैं, वो दोनों आ रहे हैं। तो वो भी अपना डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे देंगे। और कल हम पुष्कर में जाके ऑन द स्पॉट पेंटिंग्स बनाएंगे, तो पुष्कर की जो खूबसूरती है उसको भी हम उसमें चित्रित करने की कोशिश करेंगे। ये 3 दिवसीय कार्यशाला अजमेर में वाटर कलर पे पहली बार आयोजित की जा रही है। इसमें समानांतर ग्रुप और एक वाटर कलर सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इन दोनों के समन्वय से ये चित्र कार्यशाला आयोजित की जा रही है। खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले, कुछ खा पी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।